पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। कह रहे हैं विलोकस्य दूषितम कृष्णा, उसका मतलब है यमुना नदी का भी एक नाम है कृष्णा, द्रौपदी का भी एक नाम है कृष्णा। इसलिए जब आप जप करते हो तो क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर आपने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो किसको बुलाया, यमुना माई को। अभी तो पढ़ा विलोकस्य दूषितम कृष्णा, यमुना माई को पुकारा, यानी राधा यमुना, राधा यमुना, यमुना यमुना, राधा राधा, ये हो गया मंत्र। लेकिन हम तो कृष्ण को बुला रहे थे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भावग्राही हैं, भावों को ग्रहण करते हैं। अगर आप कृष्ण रूप से कृष्णा भी बोलते हैं तब भी चलता है, परंतु जितना शुद्ध होकर बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा। जैसे किसी का नाम है, मान लो किसी का नाम है हरिश्चंद्र, अभी उसको लोग बोले वो चंद्र कैसा है, वो समझ तो जाएगा लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा अधूरा नाम बोला। या फिर कोई तुतला के बोले अलीचंद कैचा है, समझ तो जाएगा लेकिन उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई बोले और मिस्टर हरिश्चंद्र आप कैसे हैं, हाँ ये अच्छा है। तो कृष्ण को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा नाम शुद्ध रूप से ध्यान पूर्वक जपा जाए। तो यहाँ पर